अब उससे बेटर अगर आपको कुछ मिलेगा तो त्रिची के अंदर ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, नहीं तो यही रह जाएगा। तो आपका क्या कॉलेज फिक्स हो गया, अभी ये पक्का हो गया कि आप और आपके क्रश जो है सेम कॉलेज में पढ़ोगे राउंड सिक्स के बाद। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो जैसा कि आप लोगों को पता है जोसा 2023 का जो राउंड है वो चालू होने वाला है, और जैसे राउंड आपके चालू हो जाएंगे उसके बाद में आपको जब भी कोई सीट मिलेगी तो आपको फ्रीज फ्लोट या स्लाइड करना पड़ेगा। अभी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, ठीक है, तो पहले से जान के रखो तो आपको क्या है चॉइस फिलिंग के दौरान भी हेल्प होगी, ठीक है, और बाद में जब आपको सीट मिलेगा तो आप इधर उधर भटकते नहीं फिरोगे, क्योंकि आपको फिर डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना रहता है, क्वेरीज का भी जवाब देना रहता है, तो काफी पैनिक वाली सिचुएशन रहती है। दो से तीन दिन के अंदर में आपको सारी चीजें जो है करनी रहती है। तो फ्रीज फ्लोट और स्लाइड के अंदर में अगर आप कंफ्यूजन में रहे तो फिर क्या ही फिर आप ढंग से सारी चीजें करोगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको फटाक से 3 से 4 मिनट के अंदर समझा दूंगा फ्रीज फ्लोट और स्लाइड क्या होता है, ठीक है। सो ये आपको कब करना पड़ता है, जब आपको सीट जो है वो मिल जाती है किसी भी राउंड के अंदर में। अगर नहीं मिल रही है सीट तो आपको कुछ नहीं करना है, हाथ पे हाथ धरे ऐसे बैठे रहना है, जब कोई सीट मिलेगी तब आपको जो है फ्रीज फ्लोट और स्लाइड के बारे में सोचना है। तो यहां पर मैं आपको क्विकली समझाता हूं कि भाई फ्रीज, ठीक है, फ्रीज फ्लोट एंड स्लाइड क्या होता है, अभी 3 से 4 मिनट के अंदर में आप जो इसको समझ जाओगे, ठीक है। सो जैसे कि मान लो आपको मैं डमी चैट बोल रहा हूं, डमी चॉइस फिलिंग में आपको करके दिखाता हूं, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस के अंदर में डाला है, लेट्स से एनआईटी त्रिची का सीएससी डाला है आपने, ठीक, क्योंकि वो अच्छी होती है। मान लो सेकंड प्रेफरेंस में आपने डाला है क्या, एनआईटी त्रिची का लेट्स से आपने डाला है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, लेट्स से आपने मान लो तीसरे प्रेफरेंस में डाला है लेट्स से एनआईटी वारंगल का लेट्स से आपने सीएससी डाला है, लेट्स से आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से, ठीक है। चौथे नंबर पे आपने मान लो डाला है एनआईटी दुर्गापुर का, आपने डाला है मान लो सीएससी। पांचवे में आपने डाला है मान लो एनआईटी त्रिची का प्रोडक्शन, लेट्स से, ठीक है। छठे नंबर पे आपने मान लो क्या डाला है, आपने डाला है एनआईटी कालीकट का लेट्स से प्रोडक्शन। मान लो आपकी कुछ इस तरीके की चॉइस फिलिंग हो, ठीक है। अब फ्री स्लॉट और स्लाइड कैसे होगा समझना, किसी भी राउंड के अंदर में मान लो आपका राउंड किसी पहला राउंड का रिजल्ट आया, मान लो आपको मिला एनआईटी कालीकट, ठीक है, आपको मान लो राउंड वन के अंदर में मिलता है एनआईटी कालीकट का प्रोडक्शन, ठीक है। अभी फ्रीज करने का मतलब है कि आप इसको चूज कर लो, फाइनल कर लो, काम खत्म, आप आगे के राउंड में जाओ ही मत, ठीक है। तो ये तो बेवकूफी हुई, क्योंकि आपने इसके ऊपर अच्छी अच्छी चीजें भर के रखी थी, तो इसीलिए फ्रीज करना मेरे हिसाब से बेवकूफी है। फ्रीज उसी सिचुएशन में बच्चा करता है जब उसने ऊपर कुछ गलत भर के रखा होता है और उसको डर रहता है कि ऊपर वाला चीज कहीं अगले राउंड में ना मिल जाए, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आप फ्रीज को कर सकते हो, अदरवाइज फ्रीज बेवकूफी है। मैक्सिमम बच्चे जो करते हैं वो करते हैं फ्लोट। फ्लोट में क्या है, सिंपल है, ऊपर चलते चले जाओ, अगले राउंड में इसको रखा जाएगा, इसके अलावा बाकी चीजें वो कंसिडर करी जाएगी, ये सीट आपके हाथ से नहीं जा रही। बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर फ्लोट करने से ये क्या हाथ से चला जाएगा, नहीं, ये हाथ से नहीं जाएगा आपका, ये आपका रहेगा। इसके अलावा अगर ऊपर की कोई चीज आपको आगे के राउंड में मिल रही होगी तो वो आपको दे दी जाएगी। तो फ्लोट जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन है, फ्लोट जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो आपके चॉइस फिलिंग के साथ सिंक कर रहा है। जो चॉइस फिलिंग आपने करी थी, आपकी प्रायोरिटी यही थी ना कि ऊपर की चीज आपको मिले, तो फ्लोट में आपका ये तो रहता ही है, साथ में ऊपर की चीज आपको जो है मिल सकती है आगे के राउंड में। तो फ्लोट करना बेवकूफी है, सॉरी फ्रीज करना बेवकूफी है। फ्लोट जो है 99% बच्चे फ्लोट करते हैं, ठीक है। अभी मान लो आपके पास में क्या हुआ, आपने फ्लोट किया, ठीक है। फ्लोट करने के बाद में आपको जो है लेट्स से राउंड फोर में जाके आपको एनआईटी त्रिची का प्रोडक्शन मिल गया, लेट्स से, ठीक है, राउंड फोर में। तो ये तो अब आपका कैंसिल हो गया, क्योंकि आपको इससे बेटर चीज मिल गया है ना। बेटर चीज मिल जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, बेटर नहीं मिलेगा तो ये रहेगा। अब राउंड फोर के बाद में आपको पता है एक दो राउंड ही बचा है, और इस दौरान राउंड फोर और राउंड फाइव के बीच में आपकी बात होती है आपके क्रश से। क्रश कहती है कि अरे यार मेरा तो फाइनल हो गया, मुझे तो जो है एनआईटी त्रिची के अंदर में सीएससी मिल गया, मेरा तो फाइनल हो गया। क्रश को आपको क्या मिल गया, एनआईटी त्रिची के अंदर में सीएससी मिल गया, क्रश का तो हो गया फाइनल। अभी जब क्रश का फाइनल हो गया और आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपको जो है दुर्गापुर का सीएससी मिल सकता है, ठीक है, या फिर आपको एनआईटी त्रिची का आईस मिल सकता है, ठीक है, और एनआईटी त्रिची का प्रोडक्शन आपको मिला ही पड़ा है, अभी जीवन में आपके क्या है बहुत बड़ा समस्या है। क्या यहां पे प्रोडक्शन के ऊपर आप जाओगे तो आपको हो सकता है दुर्गापुर का सीएससी मिल जाए, ब्रांच अच्छा है सीएससी, ठीक है, एनआईटी त्रिची प्रोडक्शन से बेटर है दुर्गापुर का सीएससी, लेकिन दिक्कत क्या, आपकी क्रश जो है वो एनआईटी त्रिची में है। तो ऐसे केसेस में आप क्या करते हो, आप कहते हो छोड़ो यार, हम क्या करेंगे, हम स्लाइड कर देंगे, फ्लोट नहीं करेंगे, अब स्लाइड करेंगे। स्लाइड करने का मतलब क्या होता है, बाकी कॉलेजेस कट जाते हैं, दुर्गापुर कट गया, आपका वारंगल कट गया,
सिर्फ आपके त्रिची के अंदर में देखा जाएगा आपको कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मतलब एनआईटी त्रिची प्रोडक्शन आपका हो गया। अब उससे बेटर अगर आपको कुछ मिलेगा तो त्रिची के अंदर ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, नहीं तो यही रह जाएगा। तो आपका क्या कॉलेज फिक्स हो गया, अभी ये पक्का हो गया कि आप और आपके क्रश जो है सेम कॉलेज में पढ़ोगे राउंड सिक्स के बाद। तो स्लाइड ऐसे केसेस में होता है जब आपको लगता है कि नहीं यार यही जगह फिक्स है, इसी जगह पे कुछ बेटर मिले तो ठीक है, अब मैं उफत चुका हूं मुझे यही जाना है कैसे ना कैसे करके, तो उस केसेस में बच्चा जो है स्लाइड करता है। अदरवाइज फ्लोट इज द बेस्ट ऑप्शन, आप राउंड सिक्स तक जो है फ्लोट करते चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। ठीक है, जोसा 2023 के लिए अगर आपको यार चॉइस फिलिंग में आप स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, और अगर आप इस वीडियो को पहले देख रहे हो, राउंड वन के पहले देख रहे हो, चॉइस फिलिंग को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपको लिंक यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैं पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग लिस्ट बच्चों का बना करके दे रहा हूँ। ठीक है, अगर चालू हो गया बाद में देख रहे हो तो कुछ कर नहीं सकते, बट अगर पहले देख रहे हो इस वीडियो को तो आप इसके अंदर में एनरोल कर लो, लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपके पास में टाइम है चॉइस फिलिंग को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हो तो मैं आपको बढ़िया चॉइस फिलिंग लिस्ट आपके लिए पर्सनलाइज बना करके दे सकता हूँ। ठीक है ना, चलो बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको फ्री फ्लोट और स्लाइड के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।